देखिए, जैसे गृह प्रवेश के लिए 4 महीने श्रेष्ठ माने गए हैं, ऐसे ही गृह निर्माण के लिए 7 महीने श्रेष्ठ माने गए हैं। वैसे तो मुहूर्त कोई भी हो, उसका आधार सिर्फ महीना नहीं होता या दिन, तिथि, बार, नक्षत्र या लग्न, सिर्फ एक चीज पर मुहूर्त नहीं बनता है। कई बार क्या होता है कि लोगों के ये संशय होते हैं, मैं बहुत छोटा कार्यक्रम है, आप स्टेप बाय स्टेप बात को समझें, क्योंकि उसके बाद फिर बहुत सारे लोग नीचे कमेंट्स भी करेंगे, पूछेंगे, लेकिन मैं जो बात आपको बता रहा हूं, मुझे लगता है उसके बाद कोई प्रश्न वैसे बचता नहीं है। ठीक है, देखिए 7 महीने श्रेष्ठ है। हर मुहूर्त का एक अपना बेस होता है, मैं आपको तिथि वाइज यानी तारीख के हिसाब से भी आपको मुहूर्त देता हूं, और अलग अलग महीनों के हिसाब से भी, और उसकी जो बेसिक जानकारियां हो तो उसके साथ भी आपको जानकारियां साझा करने का प्रयास करता हूं। ठीक है, 2-3 महीने हैं जो गृह निर्माण के बिल्कुल अनुचित हैं, उसमें नहीं करना चाहिए। 7 महीने श्रेष्ठ, ठीक है। अब 2 महीने बचते हैं जो मध्यम घटे दिन आते हैं। तो सीधी सी बात है, हर मुहूर्त का एक विचार किया जाता है जिसमें राशि के अनुसार देखना चाहिए कि वो अगर उस दिन मुहूर्त है, लेकिन वो मुहूर्त होने के साथ साथ आपके लिए भी है या नहीं है। कई बार हो सकता है कि उस दिन आपके अष्टम चंद्रमा पड़ रहे हो, द्वादश चंद्रमा हो, चौथे चंद्रमा हो, तो आपके लिए तो मुहूर्त होते भी बेकार हो गया, ठीक है ना। तो उस दिन मुहूर्त आपकी राशि के अनुसार होना चाहिए, और दूसरा उस दिन का पर्टिकुलर एक लगन सिद्ध करना चाहिए, जब हमें काम करना चाहिए उस टाइम वो लगन हमें तय करना चाहिए। 2 चीज हर मुहूर्त के अंदर आपको ऐड करना है। अब मैं आपको अलग अलग महीनों के हिसाब से जानकारी दूंगा। तो नए दर्शक हैं तो एक निवेदन भी रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि अन्य महीनों की जानकारी है, पूजा पाठ से संबंधित जानकारियां हैं, या फिर ज्योतिष से संबंधित जो तमाम जानकारियां हैं वो आपको समय समय पर मिलते हैं। तो बाकी जो अन्य कार्यक्रम है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप उनको जाकर देख सकते हैं। चैत्र और वैशाख महीने की जानकारी हमने पिछले कार्यक्रम के माध्यम से लिया। अब हम ज्येष्ठ और आषाढ़ की बात करेंगे। चैत्रम बंध व्यापनोति जो है चैत्र का महीना शुभ नहीं बताया गया है। व्याधिम आपनोति बताया गया है कि व्याधि उसमें जो है होता है अगर हम घर निर्माण करते हैं। वैसाख के महीने में श्रेष्ठ बताया, इसलिए वैसाखी धन धान्यानी। जो ज्येष्ठ और आषाढ़ की स्थिति को हम समझ लेते हैं। देखिए ज्येष्ठे मृत्यु भयम तथा, ज्येष्ठ का महीना मृत्युदायक होता है, मृत्यु भय देने वाला होता है, इसलिए इस महीने में घर निर्माण नहीं करना चाहिए। जिन्होंने कर लिया है, शुभारंभ कर लिया है, भूल से कर लिया, तो उसके लिए भी शास्त्रोक्त उपाय हैं, उनको फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। आषाढ़े भृत रत्नानि जो आषाढ़ के महीने में हम करते हैं, तो आषाढ़ का महीना ग्रह आरंभ के लिए, निर्माण के लिए शुभ माना गया है। यह शास्त्र विधि है, तस्मात् शास्त्रम् प्रमाणस्ते। किसी भी व्यक्ति की अपनी बात प्रमाणित नहीं है, शास्त्र का कथन प्रमाण होता है। तो इसलिए ज्येष्ठ के महीने में छोड़ दें और आषाढ़ के महीने में आप कर सकते हैं।